ओके चलो ठीक, स्टार्ट करते हैं। शीट नंबर मेरे ख्याल से वो कौन सी थी, ये थी ना जो लास्ट टाइम चल रही थी, शीट नंबर 126। ये थी शीट नंबर 126, ये चल रही थी क्या? ये हो गई थी, ये हो गई थी। अच्छा थर्मल कनेक्टिविटी ये चल रही थी, ये मिली हुई है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से कर लेते हैं फिर। ये शीट नहीं, ये नहीं है, ये मिली नहीं अभी। ये थी, हाँ ये थी, ओके। शीट नंबर 127 चल रही थी, 127, और इसके कुछ क्वेश्चन हमने शुरू किए थे। और ये शीट कहाँ तक हो गई थी हमारी, 4। ये हो गया था न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का, ये भी हो गया था पॉइंट डिस्कस, ग्राफ हो गए थे, ये हो गया था, ये भी हो गया था, ये वाला ये भी हो गया था। यहाँ से ये हो गया था, ये वाला हो गया था, यही हुआ था लाभ शायद। यहाँ से करना है, ये भी हो गया था सन वाला, हाँ राइट। ये नहीं हुआ, यहाँ से करना है क्वेश्चन एक बार प्लीज देखो। क्वेश्चन है, टू स्फेरिकल मेटालिक स्फीयर्स पी एंड क्यू ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम सरफेस फिनिश आर टेकन। मटेरियल सेम है तो वेट ऑफ पी इज ट्वाइस दैट ऑफ क्यू। बोथ दी स्फेयर्स आर हीटेड एट द सेम टेम्परेचर एंड आर लेफ्ट इन अ रूम टू कूल बाय रेडिएशन। ठीक है, उसको गर्म करके हमने रेडिएशन के थ्रू ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। द रेशियो ऑफ रेट ऑफ कूलिंग ऑफ पी टू दैट ऑफ क्यू विल बी इक्वल टू व्हाट? पहली बात तो ये कि इनका जो मास होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होगा, और मुझे पता है कि इस केस में जो वेट है पी ट्वाइस दैट ऑफ क्यू, तो ये मेरे को क्वेश्चन में गिवन है, पी का वेट या पी का मास ट्वाइस दैट ऑफ क्यू है, ये रेशियो मुझे गिवन है। तो यहाँ से मुझे पता है कि जो रेडियस की रेशियो अगर निकालनी हो तो मैं यहाँ से मास और इस वॉल्यूम के रिलेशन से किसकी रेशियो निकाल लूंगा, रेडियस की रेशियो निकाल लूंगा। तो रेडियस की रेशियो आ गई। क्यों निकाली रेडियस की रेशियो? क्योंकि मुझे निकालना है रेशियो ऑफ रेट ऑफ कूलिंग पी एंड क्यू। रेट ऑफ कूलिंग न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से याद आता है, डीटी बाय डीटी, ये रेट ऑफ कूलिंग मैंने आर लिख के दिया था आपको। प्रॉब्लम यह है कि इसमें न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग की एक प्रॉब्लम लग सकती है, बट इसमें रेडियस और मास की रेशियो आ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, हीट लॉस पर यूनिट टाइम, क्योंकि आपने गर्म करके कमरे में छोड़ दिया तो आप इसमें स्टीफन लॉ भी लगा सकते हो, और स्टीफन लॉ की हेल्प से ही न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग ड्राइव किया गया था। तो स्टीफन लॉ ऑफ कूलिंग आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, और स्टीफन लॉ ऑफ कूलिंग से एरिया बॉडी का 4πr² को एमिसिविटी और सिग्मा T4 से मल्टीप्लाई किया। फॉर एनी बॉडी एमिसिविटी 1 नहीं है तो इस केस में हीट लॉस पर यूनिट टाइम है। अब हीट लॉस क्या होता है, एम सी डेल्टा टी पर यूनिट टाइम के लिए डिवाइड बाई डी टी। तो यहाँ से dT by dT can be calculated, जो कि R और M के बीच में ये रिलेशन आएगा। तो यहाँ से रेट ऑफ कूलिंग ये होता है, R और M की रेशियो हमारे पास है, यहाँ से आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहली चीज़ जो माइंड में आती है वो क्या होता है कि मैं न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग लगा दूँ, लगा सकते हो इसमें, प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग जो है, अगर किसी को प्रूफ याद हो, इट डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया ए आर स्क्वायर, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास एम, मास एम। तो अगर याद है तो ये डायरेक्टली लगाना ज़्यादा बेटर है वैसे, ठीक है ना, काम बच जाएगा हमारा। भूल गए कोई दिक्कत नहीं है, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, क्योंकि प्रूफ वरा तो स्टीफन लॉ से ही था, लास्ट टाइम हमने देखा था इसे। नेक्स्ट है, ब्लैक बॉडी रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी अराउंड द वेवलेंथ लैम्डा नॉट इफ द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इज चेंज्ड सो दैट रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी अराउंड द वेवलेंथ 2 लैम्डा नॉट। तो द रेशियो ऑफ फाइनल टू इनिशियल पावर रेडिएटेड विल बी इक्वल टू व्हाट? तो पहली बात तो ब्लैक बॉडी की बात हो रही है, टेम्परेचर और लैम्डा की बात हो रही है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ ना लगे। तो लैम्डा इंटू टी का कॉन्स्टेंट तो लगना ही लगना है, तो लैम्डा 1 टी 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 टी 2 लगेगा। तो यहाँ से टी 2 बाई टी 1 की रेशियो, क्योंकि एक वेवलेंथ अगर लैम्डा नॉट गिवन है तो दूसरी ट्वाइस गिवन है,
83 1/2 आ जाती है। पर आपको इसमें क्या निकालना है, आपको इसमें निकालना है रेशियो ऑफ फाइनल टू इनिशियल पावर रेडिएटेड। अब पावर रेडिएटेड का मतलब एनर्जी पर सेकंड का निकलना, एनर्जी पर सेकंड का मतलब क्या है कि एमिसिविटी इनटू सिग्मा इनटू टी की पावर 4 इनटू एरिया, क्योंकि स्टीफन लॉ के अकॉर्डिंगली कोई बॉडी कितनी पावर रेडिएट करती है उसका ये फॉर्मूला है, और पी फॉर एनर्जी पर सेकेंड गेरा। तो पी टू बाई पी वन की जो रेशियो निकलेगी वो क्या निकलेगी, टी टू डिवाइडेड बाई टी वन होल रेज टू पावर 4 आ जाएगा, और जिसकी रेशियो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो मतलब स्टीफन और वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ का कॉम्बिनेशन है बेसिकली, राइट? समझ में आ रहा है यहाँ तक? नेक्स्ट है पावर एमिटेड पर यूनिट एरिया ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज आर, ठीक है? तो इस केस में वो कह रहे हैं पावर एमिटेड पर यूनिट एरिया ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज आर, एट व्हाट वेवलेंथ विल द पावर रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी बी मैक्सिमम। तो मुझे समझ में आता है कि वो क्या कह रहे हैं, पावर रेडिएटेड का मतलब क्या होता है, एनर्जी पर सेकेंड मैक्सिमम कब होगा, ये क्वेश्चन है। तो इस केस में पावर का फॉर्मूला तो लगना ही लगना है, और वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ भी लग सकता है इसमें। तो इस केस में पावर बाय एरिया यानी कि एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया एमिसिव पावर सिग्मा इनटू टी की पावर 4, परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो एमिसिविटी 1। तो मुझे पता लगता है कि व्हाट्स पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया सिग्मा इनटू टी की पावर 4, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, आर। आर का मतलब पावर रेडिएटेड पर सेकेंड। तो यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू आर की फॉर्म में हमने यहाँ निकाल के रख ली, टेम्परेचर आ गया। अब मुझे पता है लैम्डा इंटू टी इज अ कॉन्स्टेंट, और मुझे निकालना क्या है, मुझे टेम्परेचर पता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली मुझे वैल्यू क्या निकालनी है, मुझे लैम्डा निकालना है। तो मुझे पता है कि वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ लगने वाला है, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली अगर लैम्डा निकालना है तो लैम्डा इंटू टी इज अ कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से टी की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन मार्क कर सकते हो। तो बेसिकली इसमें किया क्या, पावर रेडिएटेड मैक्सिमम का मतलब है कि वो टेम्परेचर की वैल्यू और लैम्डा का रिलेशन, लैम्डा इनटू टी इज अ कांस्टेंट, बस यही रिलेशन है और कोई रिलेशन नहीं है। और वैसे भी ऑप्शन में बी दिख रहा है वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ का कांस्टेंट, तो पता ही लग रहा है कि वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ लगने ही वाला है इसमें, ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट है ये क्वेश्चन पढ़ना प्लीज। So two metallic spheres S1 S2 are made up of same material and having identical surface finish. ये same नहीं है, ये कुछ कुछ अभी same ही लग रहा था जैसे वो identical finish। तो उसमें mass twice है, इसमें mass thrice है। Both spheres are heated to same high temperature and placed in same room having lower temperature but are thermally insulated from each other. Ratio of initial rate of cooling to final rate of, यानी दो बार आया कहीं ना कहीं ये question किसी और form में, तो पुराने पेपर लेके आया हूँ, तो मेरे ख्याल से सेम है ये, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं। जिसमें हिंट दिया था प्रूफ ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग लगा सकते हो, सेम क्वेश्चन है, राइट? तो हो जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं है, इसको डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। उल्टा मैंने लंबे तरीके से इसमें किया हुआ है, जरूरत ही नहीं, आप मास के साथ सीधा कर लेना, एरिया सेम है, सीधा सीधा ही आंसर है, सीधा शॉर्टकट लगा लेना इसमें, नोट लिख लेना इतना फ्रॉम न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग शॉर्टकट।
क्योंकि जब अगली बार पढ़ोगे एटलीस्ट एक साल बाद तो एटलीस्ट याद रहेगा कि इसमें शॉर्टकट लग सकता है, नहीं तो याद नहीं रहेगा ये आपको। ये क्वेश्चन पढ़ो, अर्थ रिसीव इट्स रेडिएशन फ्रॉम सन एट अ रेट ऑफ 1400 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ सन फ्रॉम दैट ऑफ अर्थ सर्फेस इज गिवन एंड रेडियस ऑफ सन इज गिवन, ट्रीटिंग सन एज परफेक्टली ब्लैक बॉडी फाइंड टेम्परेचर ऑफ सन। सन का टेम्परेचर निकालना है, तो सन का टेम्परेचर अगर निकालना है तो ये सन है जिसका रेडियस बड़ा आर है, ऐसा क्वेश्चन लास्ट टाइम भी किया था हमने, और ये अर्थ है जो कि स्मॉल आर दूरी पे है, ऑलमोस्ट सेम है, बस वो अलग न्यूमेरिकल है, ये अलग है। तो इसके अंदर एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन पर सेकेंड, इस सन परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो स्टीफन लॉ से सिग्मा इनटू टी की पावर 4 इनटू सन का एरिया, तो उसमें सन का एरिया छोटा आर था, सन का एरिया मैंने बड़ा आर ही लिया, नॉर्मल ही है तो बड़ा आर हो गया, ठीक। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब अर्थ एनर्जी रिसीव कर रही है, अर्थ कितनी एनर्जी रिसीव कर रही है, 1400 वॉट्स की एनर्जी रिसीव कर रही है, तो 1400 वॉट्स को अगर एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एनर्जी पर सेकेंड जो रिसीव की जा रही है। वैसे तो एरिया से मल्टीप्लाई क्यों किया मैं बता देता हूँ, क्योंकि उसने कहा कि जो 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 रेट है वो वॉट्स पर मीटर स्क्वायर है, तभी मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, नहीं तो वॉट्स वॉट्स होता है, 1400 वॉट्स का मतलब एनर्जी पर सेकेंड, पर हमें गिवन है एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, को हमने एरिया से मल्टीप्लाई किया 4π r2। अर्थ तो कहीं भी हो सकती है यहाँ पर घूमती घूमती, तो सन तो हर तरफ एनर्जी फेंक रहा है, तो अर्थ रिसीव कर रही है, तो पर यूनिट एरिया का मतलब कि आपने इसमें से कुछ यूनिट एरिया के हिसाब से उसने एनर्जी दे दी हमें, तो हमने ये देख लिया कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है एनर्जी, टोटल एनर्जी जो अर्थ जो सन से निकल रही है वो इतनी निकल रही है, कितने एरिया में, 4π छोटा आर स्क्वायर एरिया में, तो सन ने एनर्जी निकाली कितनी थी इतनी, और कहाँ जा रही है, स्मॉल आर रेडियस में जा रही है, तो इतनी कंपेयर करके टी निकाल लो आंसर, मतलब इसमें चलता है कि सन ने एनर्जी जो देनी है अर्थ ने एनर्जी लेनी है, बराबर कर दो तो बस वहीं से आपका आंसर आ जाएगा। इसमें पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे करना है, कि पहले देखो सन की एनर्जी कितनी निकली है तो स्टीफन लॉ निकाल सकते हैं, और कोई तरीका ही नहीं है, और हमने कितनी रिसीव की वो एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया को मल्टीप्लाई करके भाई एरिया ही निकल सकता है, और कोई तरीका नहीं है इसमें, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन पढ़ना प्लीज। टू स्फेयर्स ऑफ सेम मटीरियल हैव रेडियाई 1 meter and 4 meter एंड टेम्परेचर 4000 and 2000 रिस्पेक्टिवली, एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड बाई फर्स्ट स्फेयर इज वॉट। तो देखो एनर्जी जो रेडिएट होगी वो निकलेगा स्टीफन लॉ से, दैट इज एनर्जी पर सेकेंड इज सिग्मा इंटू टी की पावर 4, और एनर्जी पर सेकेंड अगर निकालना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया नहीं है, सिर्फ एनर्जी पर सेकेंड है, पावर पूछ रहा है, तो एरिया से क्या करना पड़ेगा, इसे मल्टीप्लाई। तो एनर्जी पर सेकेंड का फॉर्मूला आ गया। अब एनर्जी पर सेकेंड 1 का और 2 का कंपेयर करना है, तो किस पे डिपेंडेंट है, एक तो आपके इसमें रेडियस का स्क्वायर आ रहा है, और दूसरा क्या आ रहा है इसमें, टेम्परेचर। तो R1 R2 का स्क्वायर टेम्परेचर का इज टू पावर 4। तो आपको इस क्वेश्चन में चेक करो, रेडियस की रेशियो तो गिवन ही ऑब्वियसली 1:4, और टेम्परेचर भी आपको गिवन है, तो ये पता लग रहा है कि इसकी रेशियो क्या आएगी, 1, एनर्जी पर सेकेंड यानी कि फर्स्ट स्फीयर और सेकेंड स्फीयर का एग्जैक्टली सेम है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्फीयर क्यूब थिन सर्कुलर प्लेट ऑल ऑफ सेम मटेरियल एंड हैविंग सेम मास आर इनिशियली हीटेड टू टेम्परेचर ऑफ 300, विच विल कूल फास्टेस्ट, जिसका न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है कि रेट ऑफ जो डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर है वो एरिया पे डिपेंडेंट है, एरिया प्लेट का सबसे बड़ा होगा तो सबसे पहले कौन ठंडी होगी, प्लेट ठंडी होगी, सरफेस एरिया जिसका ज्यादा होगा, राइट। नेक्स्ट,
अ प्लैनेट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम द सन एंड इट्स एवरेज सर्फेस टेम्परेचर इज टी. एज्यूम दैट प्लैनेट रिसीव्स एनर्जी थ्रू रेडिएशंस इफ टी इज प्रोपोर्शनल टू डी रेज टू पावर माइनस एन फाइंड एन. तो सन जो है वो पावर कॉन्स्टेंट से एनर्जी निकाल रहा है, तो सन की पावर कॉन्स्टेंट है. कितने एरिया में निकाल रहा है? 4π d² में निकाल रहा है. तो मुझे पता है कि अगर एरिया 4π d² है तो पावर सन की कितनी है? पी है. तो इस केस में अगर एरिया 1 है तो कितनी पावर मिलेगी? पी डिवाइडेड बाई 4π d², तो यानी कि एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया. और प्लैनेट का एरिया कितना है? 4π R², क्योंकि अर्थ का रेडियस में बड़ा आ रहा है. तो प्लैनेट को कितनी एनर्जी मिली अपने हिस्से की? इसके प्रोपोर्शन में निकाल लिया. सन ने इतनी एनर्जी दी थी पर यूनिट एरिया में, प्लैनेट का एरिया से मल्टीप्लाई किया तो प्लैनेट की एनर्जी आ गई. तो सन से जो एनर्जी निकली प्लैनेट को इतनी पहुंची. अब वो कह रहा है क्वेश्चन में प्लैनेट का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, वो नहीं चेंज होगा. और वो तभी होगा जब प्लैनेट हीट सन से लेगा, जितनी हीट लेगा एक सेकंड में उतनी हीट बाहर भी निकाल लेगा. तो थर्मल इक्विलिब्रियम में एनर्जी रिसीव्ड इज इक्वल टू एनर्जी रेडिएटेड. एनर्जी कितनी मिल रही है? इतनी मिल रही है. बाहर प्लैनेट कैसे निकालेगा? प्लैनेट का टेम्परेचर मान लो क्या हो गया? टी हो गया. स्टीफन लॉ के अकॉर्डिंगली एमिसिविटी लगानी है, लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. एमिसिविटी इंटू सिग्मा इंटू टी की पावर 4 को किससे मल्टीप्लाई किया? प्लैनेट के एरिया से. तो वहां से क्या हो गया? वो एनर्जी पर सेकेंड आ गई. वो कितनी लूज कर रहा है? इतनी गेन कर रहा है, इतनी लूज कर रहा है. एरिया वैसे ही कैंसिल होने वाला है इस केस में. तो टी और डी का रिलेशन आ गया. ये ना डी ऊपर आ गया तो डी रेज टू पावर क्या बन गया इसमें? नहीं, नीचे रहने दो. उसमें कंपैरिजन कर लो, डी की पावर इसमें माइनस एन हो गया और आपको क्वेश्चन में माइनस हाफ गिवन है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ कंपेयर करके. तो यहाँ से एन निकालना और एन हाफ आ जाएगा यहाँ से. ठीक है यहाँ तक? ठीक. तो ये शीट होती है ख़त्म. और अब नेक्स्ट शीट पे आते हैं, शीट नंबर 128. जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं शीट नंबर 128 का प्रिंट आउट लेंगे प्लीज. नेक्स्ट शीट और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े प्लीज.
क्वेश्चन के अंदर शीट में आपके पास कुछ रॉड्स हैं 100 और 100 और 0 डिग्री सेल्सियस पे, तीन रॉड्स हैं 2 के के बाई 2, टेम्परेचर यहाँ का T1 है, यहाँ का T2 है और लेंथ एल एल एल। तो इस केस में तीन रॉड सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो हीट यहाँ से जो जाएगी तीनों में एग्जैक्टली सेम होगी, और इसमें एज्यूमिंग दैट कंडक्टर्स आर इंसुलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग, फाइन टेम्परेचर T1 एंड T2 एट जंक्शन इन अ स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो स्टेडी स्टेट का मतलब है कि हीट फ्लोइंग की जो वैल्यू वो एग्जैक्टली क्या है, इसमें सेम रहेगी। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कॉन्स्टेंट रेट है। तो ये आपको इसमें निकालना है टेम्परेचर। तो पहले रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है, हीट फ्लोइंग पर सेकेंड सेम कब होती है, जब सीरीज कनेक्शन होता है। तो सीरीज के अंदर पहले रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्योंकि लेंथ तीनों की एल है, तो थर्मल कंडक्टिविटी 2K, K और K कुछ K बाई 2 ऐसे गिवन है, तो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो तीनों का सेम ही है, तो A रहेगा और लेंथ भी एल 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 रहेगी, तो रेजिस्टेंस आ गई। अब वो इसमें क्या किया, थोड़ा इजी बना लिया कैसे, अगर ये रेजिस्टेंस आ रहा है तो मुझे पता लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस ट्वाइस आ रहा है, और रिलेशन निकाल के अगर ये आ रहा है तो वो कितनी है, 4 टाइम्स आ रहा है, तो ईजी हो गया, आर 2R और 4R। ठीक, तो तीनों सीरीज में है, सीरीज में रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं, तो आर प्लस 2R प्लस 4R, टोटल रेजिस्टेंस 7 आ रहा है। हीट फ्लोइंग पर सेकेंड क्या होगा, टोटल टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल टेम्परेचर डिफरेंस एंड टू एंड कितने, 100 और 0, और टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, 7R, तो ये H आ गया। ठीक, ओम लॉ लगा रहे हैं अब हम कहाँ पर, TA और T1 में। तो ऊपर फिगर में चेक कर लेना, एक TA है और एक T1 है, ये आपके पास लेफ्ट साइड पे TA और T1। तो लेफ्ट साइड पे TA और बीच का टेम्परेचर T1 है जंक्शन का। TA और T1 के हिसाब से, TA और T1 से ओम लॉ, टेम्परेचर डिफरेंस इज इक्वल टू I इंटू R। H का मतलब हीट करंट होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो पहले पोर्शन की रेजिस्टेंस कितनी, R1, तो टेम्परेचर डिफरेंस इज करंट इंटू रेजिस्टेंस, और H हमने, और यहाँ से T1 निकालना है, T1 इज TA और H R1। तो यहाँ से TA की वैल्यू 100 है, H हमने निकाल लिया था, और R1 की वैल्यू कितनी है इसमें, R है, तो R से R क्या हो गया, कैंसिल आंसर। फिर ओम लॉ सेकंड में लगा दो, T2 माइनस TB, T1 T2 TB, तो आखिरी रॉड में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, T2 माइनस TB, टेम्परेचर डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस की तरह I इंटू R, H इंटू R3। तो वही सेम चीज़, T2 निकालना है, TB तो 0 डिग्री सेल्सियस पे चल रहा है, H इज 100 बाई 7R, R3 का मतलब 4R, तो यहाँ से आंसर कैन बी कैलकुलेटेड। तो ओम लॉ से आपकी वैल्यू ये सॉल्व हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एक रॉड है एंड लेंथ की वैल्यू 50 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है, इज फिटेड बिटवीन अ लार्ज आइस चैम्बर मेंटेन एट 0 डिग्री सेल्सियस। रॉड है, एक तरफ आइस है, दूसरी तरफ एक चैम्बर है 27 डिग्री सेल्सियस पे। ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ रॉड इज इनसाइड अ चैम्बर, बहुत छोटा पोर्शन अंदर है, एंड रेस्ट इज थर्मली इंसुलेटेड। तो यहाँ से हीट लॉस तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल हवा में जा नहीं सकता।
क्रॉस सेक्शन गोइंग इनटू द इवैक्यूएटेड चैम्बर इज ब्लैकेंड, क्रॉस सेक्शन को काला कर दिया सो दैट इट कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्स एनी रेडिएशन फॉलोइंग ऑन इट. तो यहाँ से 27 डिग्री सेल्सियस पे रखा, ये 17 पे है, तो ऑब्वियसली हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और अपनी हीट दे देगा किसको देता रहेगा, आइस को देगा. तो यहाँ से रेडिएशन की फॉर्म यहाँ से लेगा एनवायरनमेंट से और आगे पास ऑन कर देगा. और द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक एंड इज 17 डिग्री सेल्सियस व्हेन स्टेडी स्टेट इज रीच, यानी कि हीट फ्लोइंग पर सेकेंड रॉड में कॉन्स्टेंट हो गई और कम ज़्यादा नहीं, मतलब पहले तो शुरू में तो कम होगी ना, बाद में फिर कॉन्स्टेंट रेट आना स्टार्ट हो गया, तो उस केस में आपको निकालना है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटीरियल ऑफ द रॉड क्या होगा. तो पहली चीज़ तो ये है, थर्मल कंडक्टिविटी निकालने के लिए चैम्बर का टेम्परेचर 27 है और ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर 17 है, केल्विन में कन्वर्ट कर लिया. अब मुझे बताया कि स्टेडी स्टेट में रेट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द रॉड इन अ चैम्बर इज इक्वल टू रेट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड थ्रू द रॉड. तो यहां से जो हीट आती जा रही है रॉड के थ्रू जाती जा रही है, तो एनवायरमेंट से हीट आ कितनी रही है, वही प्रीवॉट्स थ्योरी जो किया था कि टेम्परेचर डिफरेंस अगर टी नॉट और टी है, तो लास्ट टाइम किया था टी नॉट और टी रेट टू पावर 4 माइनस करेंगे तो इतनी हीट आ रही है, टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंडेंट है. और थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या लगता है, के ए, और ये आया क्या, हीट फ्लोइंग पर सेकेंड, और हीट फ्लोइंग पर सेकेंड थर्मल कंडक्टिविटी की फॉर्म में के ए, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ एल. इसे इक्वेट करेंगे, इक्वेट करके के कैन बी कैलकुलेटेड. ठीक, आइडिया समझ में आ गया कैसे करना है.
अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में ये गिवन है, द टेम्परेचर ऑफ इक्वल मासेज ऑफ थ्री डिफरेंट लिक्विड्स ए बी एंड सी आर गिवन, द टेम्परेचर व्हेन ए एंड बी आर मिक्स्ड इज 16 डिग्री सेल्सियस, बी एंड सी आर मिक्स्ड इज 23 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी द टेम्परेचर व्हेन ए एंड सी आर मिक्स्ड। तो मान लो एस ए एस बी ऐसी स्पेसिफिक हीट्स हैं, तो मुझे पता है कि इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, जो मिक्सचर का ए और बी का, ए का टेम्परेचर कितना था 12, मिक्स करने पे क्या आ जाता है 16, बी का टेम्परेचर क्या था 19, मिक्स करके क्या हो जाता है 16, तो बी अपनी हीट देगी रिलीज करेगी ए बी से हीट लेगी, तो एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंगली कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल जिसे बोलते हैं, ए के लिए एम सी डेल्टा टी, तो ए का टेम्परेचर क्या हो गया 12 से 16, तो मैग्नीट्यूड में चेंज इन टेम्परेचर 16 और 12 का डिफरेंस, बी का टेम्परेचर कितना हो गया 19 से 16, कायदे से होना चाहिए था 16 माइनस 19 पर माइनस साइन के साथ हीट लॉस है, पर हमने क्या सीखा मैग्नीट्यूड लगा दो, क्योंकि हीट गेन हीट लॉस एक ही बात है, इक्वेट करोगे स्पेसिफिक हीट की रेशियो आएगी। फिर उसी तरीके से वो कह रहा है जब हमने किसको मिक्स किया बी और सी को मिक्स किया, तो बी का टेम्परेचर 19 था मिक्सचर का 23 हो गया, तो टेम्परेचर बढ़ गया और सी का टेम्परेचर कम हो गया, तो फिर बी और सी की हीट एक्सचेंज करवाई, हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस्ट, तो यहाँ से स्पेसिफिक हीट आ गई। अब वो कह रहा है कि जब मैंने ए और सी को मिक्स किया तो ए और सी को मिक्स करने पे क्या हुआ, ए और सी को मिक्स करने पे ए का टेम्परेचर था 12 बढ़ के टी हो गया, और जो सी है उसका टेम्परेचर था 28 और कम होके टी हो गया, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर टी हो गया, इक्वेट कर लिया फिर से, इन्हें डिवाइड कर लिया या रेशियो ली तो ये वैल्यू आ गई। तो आपके पास ऊपर दो स्पेसिफिक हीट्स हैं, ये तीन इक्वेशंस हैं, इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, टी कैन बी कैलकुलेटेड, सॉल्व करने वाला पार्ट आपको देख लेना, बट पॉइंट समझ में आ रहा है इक्वेशंस कैसी लगेंगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना प्लीज।
आ गया क्वेश्चन कैसे किया? नहीं ऐसे भी आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा, आएगा आएगा। रॉड जिसकी लेंथ एल है और एरिया ए है एंड विथ थर्मली इंसुलेटेड लेटरल सरफेस कंसिस्ट ऑफ मटीरियल हुज हीट कंडक्टिविटी कोफिशिएंट वेरीज विद टेम्परेचर एज गिवन। ये तो समझ में आता है कि थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, ठीक है, यानी कि रॉड यूनिफॉर्म मटीरियल की बनी नहीं हुई कि जो है वो चेंज हो रहा है, समझ में आता है। फिर कह रहे हैं एक एंड का टेम्परेचर टी वन है, एक का टी टू है, टी वन बड़ा है टी टू से, और इसका मतलब समझ में आ रहा है कि अगर मैं यहां मूव करता हूं तो मेरा टी कम हो रहा है तो मेरा के बढ़ रहा है, समझ में आता है। द एंड्स ऑफ रॉड आर केप्ट एट टेम्परेचर टी वन एंड टी टू, फाइंड हीट फ्लो पर यूनिट टाइम, एच निकालना है हीट करंट, एंड ऑल्सो फंक्शन ऑफ टी वेयर एक्स इज डिस्टेंस फ्रॉम एंड, मतलब टी निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, यहां पे यहां पे यहां पे टेम्परेचर क्या होगा कहीं पर भी, ठीक। अब सबसे पहली चीज रॉड है, फॉर्मूला थर्मल कंडक्टिविटी का लगना ही है, पक्की बात है, ये समझ में आता है। तो मैंने ये फॉर्मूला लिखा के ए, और डेल्टा टी नहीं लिखा क्योंकि टोटल नहीं है, धीरे धीरे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो डी टी और मान लो स्मॉल एलिमेंट की लेंथ डी एक्स है, ये समझ में आता है। जब मैं राइट जाऊंगा टेम्परेचर बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। तो अगर मैं कोई एंड लेता हूँ डी एक्स, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर में वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब क्योंकि इंटीग्रेशन होने वाली है तो मुझे साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि ये रेट कम हो रहा है, राइट। न्यूमेरिकल में लगाता नहीं, पता है क्यों? न्यूमेरिकल में तो बड़े में छोटा टेम्परेचर माइनस कर देता हूँ चल जाता है, पर इसमें अब क्योंकि इंटीग्रेशन होनी है, लिमिट्स भी पुट होनी है, तो हमें माइनस शो करना है कि मूव राइट मूव करते करते ये डिफरेंस नेगेटिव आने वाला है, राइट। ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो मेरे ख्याल से ये स्टेप समझ में आता है। मुझे निकालना क्या है? मुझे एक तो हीट करंट निकालना है, हीट करंट निकाल के मुझे टेम्परेचर भी निकालना है। हीट करंट निकालना या टेम्परेचर निकालने में दो चीज़ें चेंज हो रही हैं, एक डी टी और एक डी एक्स। तो इंटीग्रेशन में एक फंक्शन डी टी चलेगा, एक डी एक्स चलेगा, पक्की बात है। तो उठा के मैंने भी एक तरफ डी एक्स कर लिया, एक तरफ डी टी कर लिया, दिख रहा है कि कुछ एच निकलेगा। अब इंटीग्रेशन जब करेंगे तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक लेंथ कितनी है? एल है, तो मैं जीरो से एल पे हूँ, और जब मैं जीरो पे हूँ तो मेरा टेम्परेचर कितना है? टी वन, और एंड में जाके टेम्परेचर कितना है? टी टू। टी टू कर लो यहाँ, टी टू, टी वन से टी टू, सही है, आ गया आंसर। तो इसको इंटीग्रेट कर दो, वन बाय टी लॉग टी होता है टी वन से टी टू, एक बार टी टू एक बार टी वन पुट करेंगे तो यहाँ पर लिमिट्स पुट करेंगे तो आपके पास लिमिट्स पुट करने के बाद ये टर्म आएगी, और माइनस आ रहा था तो माइनस को एडजस्ट कर दिया आगे और पीछे, लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ऑफ ए बाई बी, ठीक है, अब समझ में आता है। तो इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, फंक्शन ही चेंज कर लेगा, कर देंगे, राइट, ठीक है। तो अब मुझे टेम्परेचर निकालना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन बना ही पड़ा है हमारे पास, पर लिमिट चेंज करनी है क्योंकि अभी लिमिट टी वन से टी टू है, अब लिमिट टी वन से टी हो जाएगी बस। तो सेम चीज फिर से लिख ली, तो जब चले थे और जब एंड एल पे नहीं एंड हुआ, एक्स पे एंड हुआ, और ऐसे टेम्परेचर टी वन से टी टू नहीं टी तक, पर लो इंटीग्रिटी निकाल के ना आंसर डन। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक?
इस क्वेश्चन में वन एंड ऑफ द कॉपर रॉड ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन एरिया एंड लेंथ गिवन इज इन कॉन्टैक्ट विद आइस और एक जो है अदर एंड विद वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द एंड इन कॉन्टैक्ट विद द आइस, तो आइस से एक्स डिस्टेंस दूर बताओ, मैं 200 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना चाहता हूँ ताकि रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस और रेट ऑफ एवेपोरेशन सेम हो। 200 डिग्री सेल्सियस से हीट इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी क्योंकि दोनों का टेम्परेचर डाउन है, तो ऑब्वियसली जो हीट इधर जाएगी और इधर जाएगी तो यहाँ पर आइस क्या होगी, मेल्ट होगी, ml का फॉर्मूला लगेगा, और यहाँ स्टीम बनेगी तो ml का फॉर्मूला लगेगा, तो रेट दोनों का एग्जैक्टली सेम है। तो इस केस में लेटेंट हीट की वैल्यूज मुझे गिवन है और मुझे क्या निकालना है, इसमें मुझे निकालना है एट व्हाट डिस्टेंस x मैं कहाँ रखूँ। अब मुझे पता है कि थर्मल कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंगली आइस और 200 डिग्री सेल्सियस में डिस्टेंस कितना दिखा रहा है डायग्राम में, x है, तो वहाँ से जो हीट जाएगी थर्मल कंडक्टिविटी से के ए टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू एम एल, पर क्योंकि ये फॉर्मूला किसका है, हीट पर सेकेंड का, तो ये फॉर्मूला भी क्यू इज इक्वल टू एम एल नहीं, मान लो डी एम अमाउंट ऑफ हीट मेल्ट हो रही है और आइस मेल्ट हो रही है इन टाइम डी टी, तो यहाँ पर क्या आएगा डी एम बाई टी टी, राइट। तो ये हीट पर सेकेंड, ये भी हीट पर सेकेंड, और सिमिलरली यहाँ पर 200 डिग्री से 100 डिग्री की तरफ भी गर्म पानी की तरफ हीट जाएगी, कितनी हीट जा रही है एक सेकेंड में, इतनी हीट जा रही है, तो डिस्टेंस कितना है एक्स नहीं एल माइनस एक्स, और वहाँ पे जो हीट जाएगी क्यू इज इक्वल टू एम एल, एम एल में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो डी एम करके मास इवेपोरेट होता जा रहा है इन टाइम डी टी, पर वो कह रहे हैं मास इवेपोरेट या जो मेल्ट हो रहा है उसका रेट सेम है, तो डी इनको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करेंगे तो ये रेशियो आएगी आपके पास, एक्स और एल का रिलेशन आ गया, एल आपको गिवन है, एक्स कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है यहाँ तक, ठीक। नेक्स्ट है so if air temperature remains constant at minus 20 degrees celsius find increase in thickness of the ice layer on the pond between 7 pm to 7 am 12 ghante ka time hai and if initial thickness at 7 pm was 10 cm dekho ye ice lake kaise jamti hai iski problem hai iska theory ke andar bhi kuch formula given hota hai aapko books mein but mujhe lagta hai koi formula yaad karne ka fayda nahi hai
तो हम इसको वैसे ही ml से ही इसको ठीक कर लेंगे। ठीक, तो मान लो -3 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस में x डिस्टेंस है, तो हम ये मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि x नॉट जो थिकनेस है वो इनिशियल थिकनेस है किसकी, आइस लेयर की। और हमने करना क्या है, हमें क्या गिवन है कि इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ द आइस लेयर, तो आइस लेयर और जम जाएगी, थिकनेस बढ़ जाएगी। क्यों ऐसा होगा, जब हीट बचे हुए पानी में से बाहर निकलेगी, आइस बर्फ कैसे जमती है, पानी इवेपोरेट होता है, लेक है, लेक में से पानी उड़ेगा तो जो पानी उड़ता है वो मॉलिक्यूल हीट ले जाते हैं, तो याद है हमने वो किया था मैक्सवेल थ्योरी, तो बचे हुए मॉलिक्यूल ठंडे हो जाते हैं तो वो जम जाते हैं, तो इवेपोरेशन कॉज इज कूलिंग, तो कुछ मॉलिक्यूल को इवेपोरेट होना ही पड़ेगा ताकि मॉलिक्यूल बचे हुए ठंडे हो जाएं और वो आइस में कन्वर्ट हो जाए। तो ML12 वेपोराइजेशन का तो कॉन्सेप्ट इसमें लगना ही लगना है इन एनी केस। तो अब इस केस में 12 घंटे में हमने काम करना है, तो एक्स नॉट इनिशियल थिकनेस ऑफ द लेयर है और एक्स थिकनेस है, अब इस टाइम पे थिकनेस एक्स हो चुकी है एट टाइम टी, अब एक्स नॉट हमेशा के लिए थोड़ा रहेगी, चेंज भी तो होगी, तो एक्स हो गई, तो -3 डिग्री सेल्सियस आपको पता दिख ही रहा है एक्स जब थिकनेस हो चुकी है, डायग्राम गिवन है इसमें, वो किसी इंस्टेंट का डायग्राम है, तो जब टॉप लेयर का टेम्परेचर -T चल रहा है और 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस जमने वाली है, तो पानी का टेम्परेचर तो यानी कि 0 ही होएगा, तो रेट ऑफ हीट कंडक्टेड थ्रू दी आइस, तो इस केस में अब जो बची हुई जो नीचे पानी है और बाहर क्या है, सराउंडिंग है, बीच में क्या है, आइस की लेयर है, तो कंडक्शन, वैसे तो आइस बैड कंडक्टर होती है हीट की, पर फिर भी इतनी भी बैड नहीं होती, नहीं तो फिर बर्फ कैसे जमेगी, तो अभी इतनी लेयर नहीं आ चुकी है कि वो इतनी बैड कंडक्टर हो कि हीट ट्रांसफर ही ना हो सके, अभी तो एक पतली सी लेयर जमी है और उसमें से हीट अभी ट्रेवल कर पा रही है, तो नीचे से ऊपर हीट कितनी जाएगी, फाइनल टेम्परेचर ऊपर जाने पे क्या हो जाएगा, -3, और नीचे कितने है, 0, तो KA टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थिकनेस कितनी है अभी, एक्स, और ये इसके यूनिट्स क्या होते हैं, हीट फ्लोइंग पर सेकेंड, तो कंडक्शन हो रही है तो वहां से हीट जा रही है, और कंडक्शन होके क्या होगा, Q = ML, तो जो पानी में से हीट निकल गई वो जम जाएगी और आइस जमेगी, तो ML12 का फॉर्मूला लगेगा, तो आइस कितनी जम रही है पर सेकेंड, डिफरेंशिएट कर दिया, तो यहाँ से क्या आ गया, dx/dt, तो यहाँ से ये टर्म तो ऐसी की ऐसी आ गई, तो मास क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम इज डेंसिटी इनटू एरिया इनटू थिकनेस, ए एरिया इनटू एक्स वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ आइस इनटू डेंसिटी मास इनटू एल, तो dx/dt बाहर आ गया। अब क्योंकि ये प्रोसेस धीरे धीरे चल रहा है, एकदम तो होगा नहीं, धीरे धीरे आइस में से जो पानी में से हीट निकलती जा रही है, सराउंडिंग में जाती जा रही है, तो यहाँ से dx/dt का रिलेशन आ गया, और ये एक्स वेरिएबल चल रहा है इसमें, आइस जमती जा रही है, एक्स वेरी कर रहा है, तो फंक्शन बनेगा dx और टाइम का, तो फंक्शन बना, इनिशियल थिकनेस कितनी थी आइस की, एक्स नॉट थी, अब कितनी हो गई, एक्स, एक्स नॉट पे टाइम क्या था, 0, और अब कितना है, टी, तो यहाँ से इसे इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करके आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, थिकनेस ऑफ आइस इसके इक्वल है। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें आइस जमने वाला क्वेश्चन हमने किया। अब इस टाइप का क्वेश्चन और तरीके से भी आता है, वो लेक पे नहीं आता, वो ऐसे आता है, कंटेनर है, कंटेनर में से कंडक्टिविटी नहीं शो करता बेसिकली, वो ये कहता है कि तो कंटेनर का टेम्परेचर 0 है, उसमें से कुछ पोर्शन उड़ गया, इवेपोरेट हो गया, और बाकी को जमा गया, तो जो उड़ गया ML2 लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ले गया, और जो बच गया ML2L फ्यूजन हो गया, ऐसा भी आ सकता है। पर आइस का जमना लेक के ऊपर अलग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उसमें कंडक्शन होना जरूरी है, तो वो कंडक्शन हीट कंडक्ट की जाएगी उस लेयर में से, तो इस टाइप की एक स्पेशल ये प्रॉब्लम है, जो अलग थ्योरी की फॉर्म में टॉपिक गिवन होते हैं, पर मुझे लगता है कि इसको याद करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो इसमें एक्स की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, फिर वो कह रहा है कि इंक्रीज इन थिकनेस कितनी हुई, एक्स नॉट पहले थी, एक्स अब है, तो चेंज इन थिकनेस माइनस करके निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टेपर्ड वायर आएगी ना, वस्तु तक चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी में भी टेपर्ड वायर आएगी, तो अब शॉर्टकट याद ही रहता है, रूट ए वन ए टू। देखो तो इसके अंदर टी वन और टी टू दो टेम्परेचर है, और इसमें एल लेंथ है और रेडियस चेंज हो रहा है। तो वेन टेम्परेचर ऑफ टू एंड आर मेंटेन्ड एट टी वन एंड टी टू थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ रॉड इज के, तो आपको इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एच निकालना है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि रेडियस चेंज हो रहा है, तो अगर रेडियस चेंज ना हो रहा होता तो एरिया तो सीधा पाई आर स्क्वायर हो जाता है। एक काम करते हैं, हम एक एलिमेंट लेते हैं, यहाँ पर डी एक्स लेंथ डी एक्स है और इसका रेडियस हम निकाल लेते हैं आर। निकालने का तरीका कई बताए थे, लिख के भी दिया था थर्मल कंडक्टिविटी के एक शीट में, तो मैंने बताया था फिगर से ऐसे कर सकते हो आर वन डिवाइडेड बाई आर, तो इस ट्राइंगल पे पूरा ट्राइंगल की तरह बना सकते हो पीछे की तरफ, तो आर वन बाई आर की रेशियो, और आर वन बाई आर में आप ऐसा कर सकते हो कि या तो रेशियो ले लो, ये रेशियो समझ में आ रही है, आर वन बाई आर बाई एल इज इक्वल टू आर वन माइनस आर डिवाइडेड बाई, नहीं ये गलत हो गया, आर टू आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आर टू माइनस आर आएगा, नहीं आर माइनस आर टू आएगा, नहीं ये एक मिनट, ये आएगा आर वन माइनस आर टू आएगा, ये आएगा आर वन माइनस आर टू, एल लेंथ है ना, तो आर वन माइनस आर टू, कि एक एंड से दूसरे एंड में चेंज इन रेडियस कितना हो जाता है, तो चेंज इन रेडियस हो जाता है आर वन माइनस आर टू बाई एल, फिर इसमें चेंज कितना हो जाता है आर वन माइनस आर बाई डिस्टेंस इनके बीच में कितना है, एक्स करेक्शन कर लेना प्लीज, आर वन माइनस आर टू आएगा यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर कैन बी कैलकुलेटेड, एक ऑप्शन आ गया यहाँ पे। और फिर थर्मल रेजिस्टेंस की अगर बात करते हो तो स्मॉल पोर्शन जो हमने लेंथ ली डी एक्स, थर्मल रेजिस्टेंस इज लेंथ अपॉन के एरिया, एरिया पाई आर स्क्वायर है, आर उठा के यहाँ पुट कर दिया, तो ऐसे ये जो रेजिस्टेंसेज है डी आर चलती रहेंगी सब सीरीज में है, क्योंकि हीट फ्लोइंग पर सेकेंड सेम है, तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके एल तक, तो ये पुट किया, इसको इंटीग्रेट किया दोनों साइड्स, कॉन्स्टेंट बार आ गया, इसकी इंटीग्रेशन रेज टू पावर माइनस टू, तो इंटीग्रेशन माइनस वन बाय माइनस वन आ जाएगा, आप चेक कर सकते हो इसमें। और इंटीग्रेशन जब करते हैं तो याद है डिफ्रेंशिएशन भी करते हैं इस फंक्शन को, डिफ्रेंशिएट भी करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉन्स्टेंट है तो डी एक्स बाई डी एक्स वन हो जाएगा, और ये एज इट इज बाहर निकल आएगा, ये रहा एज इट इज, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको आराम से स्टेप्स देखना इसके, और ये बच जाएगा जीरो से एल तक। एक्स वेरिएबल चल रहा है, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो जब यहाँ पुट करेंगे माइनस करेंगे घूम फिर के वही छोटा आंसर आएगा, हम क्यों करेंगे हम, और रेजिस्टेंस आई है टोटल, तो ओम लॉ के अकॉर्डिंगली जो करंट होता है हीट करंट टेम्परेचर डिफरेंस बाय टोटल रेजिस्टेंस, यहाँ से आंसर आएगा। तो हम क्या करेंगे इसकी जगह शॉर्टकट करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन ले लेंगे, ना इधर का ना उधर का, रूट ए वन ए टू, ये आंसर आ जाएगा सीधा ही, हीट फ्लोइंग पर सेकेंड का फॉर्मूला के ए एरिया की जगह ज्योमेट्रिक मीन, देखो एक मिनट में आंसर आ गया टी वन माइनस टी टू। ठीक, गुड डाउट इसमें, क्यों करवाया बता देता हूँ, कल को वो रॉड का फंक्शन ना बना के दे दे कोई के का, जैसे अभी क्वेश्चन पहले किया था, उसका और इसका मिक्सचर दे देगा, फिर फंस जाओगे, फिर आपको इंटीग्रेशन ही यूज़ करनी पड़ेगी, इसलिए दिया है, तो आज मतलब करना चाहिए मेथड। नेक्स्ट,
तो क्वेश्चन है कि एक मेटालिक सिलेंड्रिकल वेसल है, इनर एंड आउटर रेडियस R1 R2 है, इज फिल्ड विद आइस एट 0°C. मास ऑफ आइस इन अ सिलेंडर इज m. सो द फ्लैट पोर्शन ऑफ सिलेंडर आर सील्ड, ऊपर नीचे सील्ड कर दिया, और द वेसल इज कैप्ट इन एयर. टेम्परेचर ऑफ एयर इज T. हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर आइस टू मेल्ट कम्प्लीटली? तो आइस ऑब्वियसली कंडक्शन के थ्रू मटेरियल में से पास करेगी, तो इस केस में धीरे धीरे पास करेगी, तो ऑब्वियसली हमें क्या लेना पड़ेगा, इसका एक अंदर का कोई एलिमेंट लेना पड़ेगा. तो क्या एलिमेंट ले लेते हैं, हमने एलिमेंट r डिस्टेंस पे लिया और कितनी थिकनेस का लिया, dr, जिसमें से हीट ट्रेवल करेगी धीरे धीरे करके, और इसका इनर रेडियस R1 है और आउटर रेडियस कितना है, R2 क्वेश्चन में गिवन है. तो कंडक्शन के थ्रू जाएगी तो इसकी स्मॉल रेजिस्टेंस होगी उस मटेरियल की, वो क्या होगी, लेंथ dr, थर्मल कंडक्टिविटी k, और कितने एरिया में से जा रही है, कर्व सरफेस एरिया में से, और हमारा जो एलिमेंट है वो r रेडियस का है, तो कर्व सरफेस एरिया 2πRL. ये स्टेप क्लियर है? तो अंदर R1 से R2 जाने में ये बहुत सारी जो dr है, ये सब सीरीज में कनेक्टेड है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, एक जो छोटी रेजिस्टेंस है उसकी इंटीग्रेटेड. तो इंटीग्रेशन करेंगे तो R की वैल्यू आएगी, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन करनी है, R1 से लेके R2 तक करनी है. R1 से R2 करेंगे, कांस्टेंट बाहर आ गया, 1/r dr log r होता है, लिमिट पुट कर लेना R1 R2, तो ये वैल्यू आ जाएगी. तो टोटल रेजिस्टेंस आ गई. अब टेम्परेचर अंदर और बाहर का कितना है, 0 और T, तो हीट करंट कितना है, हीट फ्लोइंग पर सेकेंड, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस. तो अब इस केस में टी टाइम लगा इसको मेल्ट करने के लिए, तो जो आइस मेल्ट होगी तो m × L. हीट करंट का मतलब क्या होता है, हीट बाय टाइम, टी टाइम में आइस मेल्ट हो रही है तो इनटू क्या करेंगे, टी, तो करंट का मतलब हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इनटू टाइम इज हीट, और वो हीट से आइस मेल्ट हो जाती है. तो H को यहाँ पुट करेंगे, हीट जो H होगा क्या, H ये रहा T/R, और R क्या होगा, रेजिस्टेंस, ऊपर से पुट कर दो आंसर, तो रेजिस्टेंस को यहाँ पुट करोगे तो टाइम आ जाएगा कि आइस कब मेल्ट होगी. सॉलिड स्फीयर ऑफ कॉपर, एमिसिविटी गिवन है एंड डेंसिटी रो गिवन है एंड स्पेसिफिक हीट एस गिवन है, ऑफ रेडियस आर एट एन इनिशियल टेम्परेचर ऑफ 200 केल्विन इज सस्पेंडेड इनसाइड अ चैम्बर हूज वॉल्स आर एट टेम्परेचर ऑफ 0 केल्विन. व्हाट इज टाइम रिक्वायर्ड फॉर द टेम्परेचर ऑफ द स्फीयर टू ड्रॉप टू 100 केल्विन? तो इनिशियल टेम्परेचर 200 केल्विन से 100 केल्विन पर स्फीयर को लेके आना है, तो क्या करेगा, हीट को लूज करेगा, और क्या निकालना है क्या इस केस में, व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड, एक सेकंड में थोड़ा कर देगा, धीरे धीरे हीट लूज करेगा, तो इंटीग्रेशन से ही करना पड़ेगा और तो कोई तरीका ही नहीं है.
तो इंटीग्रेशन से टाइम कैसे निकलेगा, वो कितनी एनर्जी निकाल रहे हैं पर सेकेंड, पावर आ गई, और हीट इसका मतलब एनर्जी पर सेकेंड, इतना टेम्परेचर डाउन हो रहा है उसका डी टी, तो एम एस डेल्टा टी, डेल्टा टी की जगह स्मॉल चेंज लेंगे तो डी टी डाउन हो रहा है तो क्या लगेगा, माइनस टाइम से डिवाइड किया तो हीट पर सेकेंड। हीट पर सेकेंड का फॉर्मूला हमारे पास है, स्टीफन लॉ ऑफ कूलिंग से डाउन हो रहा है ऑब्वियसली, तो ये वैल्यू इसके इक्वल कर दी, और मास को क्या पुट कर लिया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। किस किस के दो फंक्शन चलेंगे, एक डी टी टेम्परेचर का और एक टाइम का, टेम्परेचर वाली टर्म्स एक तरफ, टाइम वाली टर्म्स एक तरफ। तो टाइम जीरो से टी सेकेंड लगा जब टेम्परेचर 200 से 100 हो गया, पहले टेम्परेचर 200 था, अब कितना हो गया 100 हो गया। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, यहाँ से सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आपके पास टाइम की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक,
सो क्वेश्चन है कि एंड ए ऑफ द रॉड ए बी ऑफ लेंथ गिवन, क्रॉस सेक्शन इज गिवन, इज मेंटेन्ड एट सम कांस्टेंट टेम्परेचर. हाँ, थर्मल कंडक्टिविटी चेंज हो गया, फंक्शन आ गया, थर्मल कंडक्टिविटी एक्स के साथ इंक्रीज हो रही है. द अदर एंड बी ऑफ द रॉड इज रेडिएटिंग एनर्जी एट अ रेट ऑफ 4.556 जूल पर सेकेंड, यानी कि यहाँ से हीट आती है, यहाँ से निकल जाती है. तो और वो कह रहा है एंड द वेवलेंथ विद मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी एमिटेड फ्रॉम दिस एंड इज लैम्डा एम. मुझे लग रहा है वेव डिस्प्लेसमेंट लॉ भी आने वाला है. लैम्डा एम एक्सप्रेस वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स. ठीक, तो चलो वेव डिस्प्लेसमेंट को तो बाद में करते हैं. तो सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं, क्या इसके अंदर, क्योंकि के चेंज हो रहा है तो रेजिस्टेंस ऑब्वियसली हमें एलिमेंट लेना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन में. डी एक्स एरिया ए और के थर्मल कंडक्टिविटी, के चेंज हो रही है अलग बात है, के एक्स के साथ चेंज हो रहा है, तो ये वैल्यू आ गई. तो टोटल रेजिस्टेंस में सब सीरीज में कनेक्टेड है, और टोटल रेजिस्टेंस में जो ये जो एलिमेंट लिया हमने एक्स डिस्टेंस पे लिया, तो अब मुझे करना क्या है, ये इसको इंटीग्रेट करूँगा तो टोटल रेजिस्टेंस मेरे पास आएगी. अब मुझे क्वेश्चन के अंदर निकालना ये है कि एक्सप्रेस द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स. तो टेम्परेचर को एक्स के साथ रिलेट करना है. तो मैंने क्या किया इसमें, हाँ यहाँ से, क्योंकि मुझे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी निकालना है. ठीक है, तो एंड वापस उल्टा चलेंगे हम. तो आर को दो मिनट छोड़ दिया वहाँ पे एज अ फंक्शन, अभी इंटीग्रेशन की लिमिट लगाऊंगा अभी मैं, लेकिन साथ के साथ ये भी देख लें कि हम उस इंटीग्रेशन की हुई आर का करेंगे क्या, फाइनल रेजिस्टेंस का. तो फाइनल रेजिस्टेंस के लिए जो टेम्परेचर है एक एंड का कितना है उसमें टी नॉट है, डायग्राम में एक एंड का टेम्परेचर कितना है इसमें टी नॉट है, और इस एलिमेंट का कितना है टी है. हमें उस कॉर्नर का कुछ नहीं पता क्या गिवन है, तो हमें बीच का ही किसी इंस्टेंट में टेम्परेचर गिवन है, इसीलिए रेजिस्टेंस की लिमिट भी क्या लगी थी यहाँ पे एक्स से एल, एक्स से एल, क्योंकि बीच का ही पोर्शन शुरू कर लिया हमने, इनिशियल एंड से हमें कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है. तो एक्स से लेके एल तक करके टोटल रेजिस्टेंस आ गई, और इसीलिए जो हीट करंट है उसमें H इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट बाई टोटल रेजिस्टेंस. टोटल रेजिस्टेंस हम निकाल चुके हैं इसमें, तो यहाँ से T की वैल्यू इस फॉर्म में आ जाएगी, और इनिशियल टेम्परेचर हमें मालूम नहीं, तो इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट मानने के लिए हमें लैम्डा की जरूरत है, और इस जो पहला स्टेप है वहीं से स्टार्ट है वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ से, लैम्डा इंटू टी नॉट इज अ कॉन्स्टेंट, और यहाँ से लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंगली हमने टी नॉट निकाल लिया, क्योंकि एक एंड का टेम्परेचर टी नॉट है, और उसने कहा कि उस टाइम पर रेडिएशंस की वैल्यू मैक्सिमम है, T नॉट यानी कि टेम्परेचर मैक्सिमम रेडिएशन के लिए पीक वैल्यू होगी विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ में, तो लैम्डा इनटू टी इज अ कांस्टेंट से हमने उसके लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंगली टी नॉट निकाले. तो एक टेम्परेचर वेन से निकाल लिया टी नॉट, बीच का टेम्परेचर टी रैंडम कुछ भी है, तो बाकी मेथड वही है जो हमने नॉर्मल किया. तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि यहाँ तक क्वेश्चन कैसे करना है. मैथमेटिकल मैथ्स ही है इसमें, बाकी कॉन्सेप्ट ठीक 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 है.